भारत के लॉ कमीशन ने राजद्रोह कानून पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि राजद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124A को इसके दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। राजद्रोह अपराध पर विधि आयोग का जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश के अपराध के लिए सजा जो है वो बढ़ाई जाए, न्यूनतम 7 साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय इसको बनाया जाए। देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद है। अब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित तो नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित जो है वो रहेगी। भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने में सोशल मीडिया की काफ़ी भूमिका है। अक्सर विदेशी शक्तियों की मदद जो है वो मिलती है और इसके लिए धारा 124A का लागू होना और भी ज़रूरी है। और इसको लेकर ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे हैं। राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A जिसको लेकर तमाम कवायद चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको लेकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय विधि आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश अपनी रिपोर्ट सौंपी है और कहा है कि इस जो कानून है 124A राजद्रोह का कानून, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ संशोधन के साथ इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और इसके प्रावधान भी और कड़े करने चाहिए। ये लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैक्सिमम जो इसमें सजा है जो उम्र कैद तक की है उसे बरकरार रखा जाए, लेकिन जो न्यूनतम सजा है 3 साल की उसको बढ़ाकर 7 साल किया जाए, ऐसा कमीशन ने अपनी सिफारिश में कहा है केंद्र सरकार को। साथ ही साथ कहा है कि ये जो कानून है राजद्रोह का, ये देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को और इसके साथ साथ आंतरिक जो सुरक्षा है उसको बचाने के लिए और जो कट्टरवादिता है कट्टरपंथियों से सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि इस कानून को बरकरार रखा जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि कुछ इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। ये बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जो याचिकाएं आई थी इस कानून के खिलाफ ये कहते हुए कि ये कानून जो है वो अंग्रेजों के जमाने का कानून है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। पिछले साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इसका इस्तेमाल कानून का नहीं होगा और केंद्र सरकार इस पर विचार करे क्या कि कानून वापस लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो कानून है ये अंग्रेजों को जमाने का कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और कहा था कि अब 75 साल बाद आज़ादी के अंग्रेजों का कानून की क्या ज़रूरत है, ये जो कानून है इसका अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए किया, नेहरू गांधी और पटेल जैसे जो नेता थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। तो लिहाजा इसी साल 11 मई को एक सुनवाई हुई थी जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार इस पर विचार विमर्श शुरू किया है और अगस्त में जब ये संसद का मानसून सत्र आएगा तो उस समय इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के लिए सुनवाई को टाल दिया था, लेकिन इस बीच लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और वकालत की है कि इस कानून को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विदेशी ताकतें, विदेशी शक्तियां जो है वो कट्टरवादियों को बढ़ावा दे रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर सरकारों पर हमला करने के लिए, भारत देश पर हम की संप्रभुता पर हमला करने के लिए, उसके लिए इस कानून का बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये एक रिपोर्ट है, एक सिफारिश है जिस पर सरकार को विचार करना है, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर यह रिपोर्ट आई है जब मानसून सत्र में इस पर संसद में चर्चा हो सकती है, तो वहीं अगस्त में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।